गया दादी, मेरी टर्न स्टार्ट हो गई दादी। देखा पुत्र, वाहेगुरु की कृपा से फ्यूल पंप ठीक हो गया ना, ऐसी गाड़ी तो सारे वर्ल्ड में नहीं होगी। थैंक यू बाजी। जीते रहो पुत्र। क्या कार है? अरे ये कार नहीं, हाहाकार है। ऐसी कार तो मैंने सपने में भी नहीं देखी। अरे ये तो बैटरी है यार। साथ में मिस ऑक्सफोर्ड भी है। ये मेरे पापा की फेवरेट रेस्टोरेंट है। क्यों दादी, पापा आपको यहीं लाया करते थे ना? हाँ बेटा। अरे ये कैसे हो गया यार, साइकिल से सीधा कार? मुझे तो इसमें मिस ऑक्सफोर्ड का सपोर्ट लगता है। साला बैटरी की हालत और हुलिया दोनों बदल गए। साले ने हम लोगों के मुंह का निवाला छीन लिया। देख बहुत स्टाइल मार रहा है। आज इसका हुलिया ही बिगाड़ देते हैं। चलो हाय बैटरी। कंग्रेचुलेशंस फॉर न्यू कार एंड नाइस कन्या। कमाल है बैटरी, तू तो कन्हैया लाल से प्राण हो गया। ये सब मिस ऑक्सफोर्ड की बैकिंग है या बाप का कोई इंश्योरेंस? हाय मिस ऑक्सफोर्ड, तुमने तो लल्लू को फिरंगी बना दिया। Just shut up. वो हैरी, दिस इज टू मच। ये टू मच थ्री मच हमारे सामने मत कर, वरना तेरे चेहरे का क्लोजअप भी बिगाड़ दूंगा, समझा? ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो उसे। चुप कर बुढ़िया। रुक जा। दादी इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, आज मैं इन लोगों को बताता हूँ दो तो कितने होते। रुक जाइए वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। माजी आप ले जाइए उसे। चल चल बेटे चल। रुक जाइए, हम जा रहे हैं, बस आओ जा रहे हैं हम। छोड़ो छोड़ दो, छोड़ो। रुक साला, भागता का बैटरी, डर के भाग रहा है। कहाँ और तो जाना छुपा हुआ है, हिम्मत है तो बाहर निकल बाहर। भाग गया साला, भाग गया। फिकर मत करो, कल सुबह कॉलेज के गेट के बाहर इसे और इसकी गाड़ी दोनों को तोड़ डालेंगे। बैटरी ने आज हमारी बहुत बेइज्जती की है। अगर गार्ड्स रोक नहीं लेते तो उसकी ऐसी हालत करता कि जिंदगी भर हमारे सामने नहीं आता वो। और ए, कौन है वहाँ? लाइट बंद कर, बंद कर लाइट। अबे लाइट बंद करना। अरे ये तो बैटरी है। लगता है इसकी किस्मत खराब है जो शेरों के पंजे में खुद आ गया। चलो इसके हाथ पांव चटका देते हैं। वैसे भी कॉलेज में बैसाखी और व्हीलचेयर से आने वाला एक भी लंगड़ा लूला स्टूडेंट नहीं है। कम ऑन चलो। चुप गया डरपोक, वो रहा
पिलर के पीछे। चलो पकड़ो साले को। भागने ना भाई। अरे बैटरी रुक भाग साले। निकल बाहर। अरे कैसे आप पकड़ से? भागता कैसे साले रुक? मट्टी का तोड़ साले का। अरे कैसे तोडूं? हेलमेट निकाल कर मार कांच पे। बहुत हीरो बनता है। पकड़ इसे। तेरी टांगे तोड़ देंगे। भाग निकल बैटरी। भागता का रुक। आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। बैटरी पकड़ साले को। ए विक्की पकड़ उसको। पीछे से टक्कर मार। विक्की पकड़ उसको। क्योंकि हम बैटरी के पीछे ही या बैटरी हमारे पीछे। अबे तो अपने पीछे आ गए। अरे मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो रहा है। ठीक है ने तो उसे गटर में डाल दिया। अरे ये तो मर जाएगा। कोई से बचाओ यार। तू जा। तू जा। तू जा। तू जा यार। तू भी तू जाना। तू जा। जाना। जा। अरे बंटी तो जिंदा है ना? हाँ जिंदा हूँ। जल्दी खोल, बहुत बदबू आ रही है। सांस रोके रख, मैं भी खोलता हूँ। सोचा नहीं था कि बैटरी इतना खतरनाक आदमी निकलेगा। हैरी, अभी तो ऊपर क्या कर रहा है? चल जल्दी नीचे आ। बैटरी कहाँ है? ये क्या है? अबे सर पे हाथ क्या मार रहा? गंजे कुछ बोल नहीं सकता, गूंगा हो गया है। गंजा की तरह ऊपर क्या बैठा है? गंजे नीचे उतर, गूंगा हो गया क्या? पागल हो गया और तू रो क्या रहा है? अबे बैटरी कहाँ है? अबे ये क्या कर रहा है यार? अबे हाथ चिपक गया मेरा। कौन? लगता कोई आ रहा है। चुप चुप चुप। अबे भाग भाग। अबे चिपक गए। खींच खींच। अबे खींच खींचना। ए तुम लोग अंदर कैसे आ गए? नमस्ते अंकल, हम चिपक गए, छुड़ा दो। तुमने मेरा फेविक काल करा दिया। हमने नहीं गिराया, खुद गिर गया। हम चिपक गए, हमें अलग कर दो। अब मैं तुम्हें ऐसे चिपकाऊंगा जैसे लकड़े पे प्लाई चिपकाते हैं। बस राज, बस आगे बताना वरना गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। नहीं राज, हमारी सारी दादागिरी निकल गई। और कहां कहां से निकली है अब तुम्हें क्या बताएं? राज हमें मालूम नहीं था कि अगर हम तुम्हारी दादी को कुछ बोलेंगे तो तुम इतने वायलेंट हो जाओगे। हमें छोड़ दो राज, प्लीज। राज आगे से ऐसा नहीं होगा राज, प्लीज। सॉरी राज। बच गए। बढ़िया फिल्म थी, अच्छी मजा आ गया। हाँ, हे लुक, राज, राज क्या कार लेके आया है? अनबिलीवेबल राज, मैंने ऐसी कार तो बुक्स में भी नहीं देखी यार। यही सोच के तो मैंने ये कार बनाई है। तू तो सेट हो गया यार। कॉलेज के बाद ना तू एक वर्कशॉप खोलना और उसमें ऐसी अच्छी अच्छी कार्स डिजाइन करना। देखना सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज के शटर डाउन हो जाएंगे। हाय विक्की। हाय।
How's your camping? Oh, fantastic. Okay. Raj, अगर रॉकी और उनके दोस्त मिले तो तुम उनके मुंह मत लगना. क्यों? कुछ पंगा हुआ क्या? हाँ. राज भैया. अरे भाई. राज 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 भाई. भाई मैं माफ कर दीजिए. अरे ये क्या हो गया तुम लोगों को? राज भाई ने तुम्हें नहीं बताया. मैं क्या बताता? मुझे नहीं मालूम. नहीं मालूम? हमें भी नहीं मालूम. हम सब भूल गए. आपने हमें जान से नहीं मारा. ये उपकार कम थोड़ी होता है. राज ये सब तुमने. छोड़िए प्रिया बहन, हम आपको जिस नजरों से देखा करते थे उन नजरों से अब कभी नहीं देखेंगे बहन. अगर देखने लहका के रही तो हम तुम्हें एक आंख से माँ और दूसरी से बहन की तरह देखेंगे. एक आंख और होती तो हम तुम्हें दादी माँ की तरह भी देखते, मगर नहीं है. देख लिया, यही होता है जब शरीफ शराफत छोड़ता है. शरीफ शराफत छोड़कर इतना खतरनाक हो जाता है, मैंने पहली बार देखा. जान यहाँ तक आ गई थी. तुम सिर्फ एक बार बोल दो, जाओ कुत्तो, मैंने तुम्हें माफ किया. राज माफ कर दे यार, इनको माफ कर दे. चलो क्लास में चलो, दिखना नहीं मेरे को बाहर तुम लोग. थैंक यू भाई. थैंक यू राज. भगवान तुम्हारा भला करे भाई. बहन अपना ख्याल रखना. हाँ चलो लेट्स गो टू द क्लास. कम ऑन राज. चलो. जी नारंग साहब, आप आंख बंद करके उनके झोपड़ों पर बुलडोजर चलवा दीजिए. मुझे हफ्ते भर में वो जगह खाली चाहिए. मैं कल ही पालघर आ रहा हूँ, बाकी बातें वहीं आके करते हैं. कहाँ बुलडोजर चलवा रहे हो? पालघर की एक झोपड़पट्टी में. तुम्हारे नाम से टू व्हीलर की एक फैक्ट्री डाल रहा हूँ. लेडी बर्ड बाइसिकल एंड मोपेड कंपनी. पसंद आया? वाओ. ये फोर फॉक्स कंपनी तो बंद हो जाएगी और मेरे पार्टनर्स होजरी और अंडरगारमेंट का धंधा करने की सोच रहे हैं. इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे नाम पर अपना एक अलग एम्पायर खड़ा करके 2-4 साल में अपने पार्टनर्स को लात मार के अलग हो जाऊं. चलो. पाजी राज, संघानिया साहब के घर चला जा, उनकी गाड़ी खराब हो गई है. पाजी दीपक सेठ की गाड़ी का विंडस्क्रीन चेंज करना है, डिलीवरी आज ही देनी है. ओ मैं मंगलू से करवा लूंगा. तू टोइंग वैन साथ में ले जाना, अगर शाम तक गाड़ी ठीक ना हो तो टो करके इधर ले आना. ठीक है. ओए कोलू. जी पापा. मंगलू को बोल के दीपक सेठ की गाड़ी का विंडस्क्रीन चेंज कर दे. कौन सी डलवा दूं, फिएट वाली की एम्बेसडर वाली? ओए पागल के बच्चे, दूसरी गाड़ी का विंडस्क्रीन उसमें कैसे लगेगा? लगता है पापा ग्राहक पे बचाने के लिए ऐसा करवाते हैं. जैसे आज वो डिसूजा गाड़ी की फैन बेल्ट टूट गई, तो मैंने कहा कि 180 रुपए लगेंगे, तो बोले नहीं कोई सस्ता लगा दो. तो पता है मैंने आपकी पैंट की बेल्ट लगा दी. क्या? हाँ, शाम को पहनोगे ना तो देखना आपकी पैंट सरकती रहेगी. ओए मंगलू. जी पाजी. ओए मंगलू, इसे ले जाकर घर के अंदर बंद कर, नहीं तो मेरा गैरेज बंद करवा देगा ये. लेके जाए इसे. चल. चोपड़ा साहब, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए आपके. पाजी वो मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स टूट गई हैं, जरा चेंज करा दें. मुझे अभी पालघर जाके रात को वापस आना है. वैसे चोपड़ा साहब, कांच का टूटना बहुत शुभ माना जाता है. आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा. ये सब कहावत है सिंह साहब, अगर ऐसा होता तो मैं शीशे के घर में रहता और हाथ में पत्थर लेकर घूमने वाले हर पागल से पंगा लेता. ये तो अपना अपना मानने का तरीका है जी.
जो शुभ मानता है उसके लिए शुभ होता है और जो अशुभ मानता है उसके लिए अशुभ होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। आइए चोपड़ा साहब, जब तक गाड़ी का काम होता है हम ऑफिस में बैठते हैं। चलिए।